हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पार्ट वन इन डिफरेंशियल कैलकुलस। स्टूडेंट, आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, tangent parallel to the coordinate axis, equation of normal and a numerical example. सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। हमारे पास एक कर्व है y इक्वल fx, इस पर एक पॉइंट है p xy, इस पर हमें टेंजेंट निकाल एंड नॉर्मल दो निकालने हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन करेंगे, लेट पी बी एनी पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑन ए कर्व, एंड क्यू क्यू जो है इसके एक नेबर में ही पॉइंट है, नेबरहुड ऑफ पी। द पॉइंट क्यू बी टेकन ऑन आइदर साइड ऑफ पी, इधर भी ले सकते हैं हम इस पॉइंट को, इधर भी ले सकते हैं। एज क्यू टेंड्स टू पी, जैसे जैसे क्यू पी के पास आता जाएगा, ये q जो है p के पास आएगा, as q tends to p, this straight line जो कॉर्ड है हमारी tends to a definite straight line tp, जो ये हमारी tp है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। tp passing through P, the straight line called the tangent to a curve at point P. इस straight line को हम tangent कहेंगे at the point P पर। Normal to the curve, normal क्या है? The normal of to a curve at any point P of it is the straight line which passes through that point. इसी पॉइंट से जाएगी एंड इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट पी। टेंजेंट जो हमारी है उसके परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है हमारी, इसके परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पर जो लाइन है वो हमारी नॉर्मल कहलाएगी पी पर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हमारा कर्व दे रखा है, लेट y equal to fx be the Cartesian equation of the curve, let p be any point xy on the curve, take a point q x plus delta x y plus delta y on this curve in the neighborhood of p, if xy are the current coordinate at any point on the chord pq, the equation of the कॉर्ड पी क्यू इज, पी क्यू की क्या इक्वेशन हो जाएगी, वाई माइनस वाई इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स, ये इक्वेशन दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारी आ जाएगी वाई माइनस वाई डेल वाई ओवर डेल एक्स एक्स माइनस एक्स। नाउ एज क्यू टेंड्स टू पी, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यू जो है पी की तरफ जा रहा है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड द कॉर्ड पी क्यू टेंड्स टू अ टेंजेंट एट पी, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, देयरफॉर द इक्वेशन वन टेंड्स टू द इक्वेशन, इसको हमें आ जाएगी हमारी इक्वेशन वन, वाई माइनस वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स की फॉर्म आ जाएगी। हैज द दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व y equal fx at point P, जो कि एक्स वाई है। इफ़ वी आर टू जॉइन टू फाइंड टेंजेंट टू ए कर्व y equal to fx at any point x1 y1, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी होगी x1 y1 पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है इसका, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी गिवन इन पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म में, से y x इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू फाइव टी, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी टी,
डी एक्स बाई डी टी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई डैश टी ओवर एफ डैश टी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारी आ जाएगी वाई माइनस फाई टी, फाई डैश टी ओवर एफ डैश टी एक्स माइनस एफ टी. नाउ डिफाइन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. पी हमारा एक्स वाई पॉइंट है ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स पर. सपोज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पी इज दैट इन विच एक्स इंक्रीजेज. लेट साई बी द एंगल विच पॉजिटिव द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ एक्स. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स. इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की इक्वेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है. विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज ग्रेडियंट इज एम. एम उसका ग्रेडियंट होता है. दैट इज द लाइन मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुज टेंजेंट इज, जो ग्रेडियंट है वो एम है. देयरफॉर द कंपेयरिंग वन एंड टू तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी है टेन साई. दस द डिफरेंशियल कोफिशियंट डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट डी एक्स वाई ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पी टू द कर्व मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. कहने का ये मतलब है कि जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रही है साई, तो वो वैल्यू हमारी टेन ऑफ साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है. टेंजेंट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स देन साई जो है हमारा जीरो हो जाएगा. टेन साई की वैल्यू जीरो एंड सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो एट दैट पॉइंट. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड इफ़ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एक्स देन साई की वैल्यू हमारी पाई बाई टू हो जाएगी. टेन साई इक्वल टू टेन पाई बाई टू इक्वल टू इन्फिनिटी एंड सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इन्फिनिटी और डी वाई बाई डी डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इस पॉइंट पर. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल इक्वेशन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे. पी हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स देन द टेंजेंट ने इसकी हमारी क्या होगी, ये फॉर्म होगी. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. देयरफॉर द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट पी इज डी वाई बाई डी एक्स. इफ एम इज द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल एट पी तो क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट हमारी परपेंडिकुलर है. एम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा. एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स, या इसे हम कह सकते हैं माइनस डी एक्स ओवर डी वाई. हैंस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, ये आ जाएगी हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन वाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई एक्स माइनस एक्स, जिसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास कर्व इस तरह की फॉर्म का है एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन दे रखी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है ये, माइनस ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई. नाउ कंसीडर अ न्यूमेरिकल एग्जांपल. पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने ली है इसकी. कर्व हमारे पास साइक्लॉइड है जिसकी इक्वेशन हमारी होती है एक्स इक्वल ए टी प्लस साइन टी वाई इक्वल टू ए वन माइनस कोस टी. सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. डी एक्स ओवर डी की डी टी की वैल्यू है हमारी ए वन प्लस कोस टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ए साइन टी. डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा टेन टी बाई
2. Hence, the equation of the tangent at the point T is y minus a 1 minus cos t equal to 10 t by 2 x minus a t plus sin t. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इस तरीके से तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल x माइनस ए टी टेन टी बाई टू वेयर एक्स वाई आर द करंट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट. इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए. इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व आर गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू एफ टी इक्वल and y equal to phi t, then by the point t we mean the point whose coordinate are x equal to f t and y equal to phi t. Student, आज के लेक्चर में इतना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस और जो हमारे आर्टिकल हैं वो मैं आपको कराऊंगी. इन आज के लेक्चर की जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. और ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.